आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। आपको बताने जा रहे हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतें। देखो, मांग जो प्रभावित होती है संबंधित वस्तु की कीमत से भी प्रभावित होती है। संबंधित वस्तु का कीमत, मैंने एग्जाम्पल बताया डीजल पेट्रोल का, डबल रोटी का, मक्खन का, ना रिफाइंड का, वो कड़वे तेल का आप एग्जाम्पल रख सकते हैं, तो एक दूसरे से होते हैं। तो आपको समझना है, करें स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, ये क्या मतलब क्या होता है? स्थानापन्न का मतलब जब किसी वस्तु को एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रयोग किया जा सके, उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे कहा गया इसमें चाय और कॉफ़ी, आप लिख सकते हैं स्थानापन्न वस्तुओं में चाय व कॉफ़ी। चाय व कॉफ़ी का मतलब क्या होता है? चाय व कॉफ़ी का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब चाय ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो कॉफ़ी पिया जाएगा, ठीक है, और जब कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो चाय पिया जाएगा। और कहा गया है तो एक दूसरे स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है, काम चलाया जा सकता है। भाई जिसके यहाँ कुछ कोई काम पड़ता है, जो कॉफ़ी पीने वाला है वो चाय कॉफ़ी पीता है, चाय पीने वाला चाय पीता है, गरीब आदमी की यहाँ कॉफ़ी थोड़ी मिलेगी, वहाँ चाहिए मिल जाएगी। तो कहने का मतलब जिसका प्रयोग किया जा सके, ठीक है, लोग जो प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। बी, समझ में आया स्थानापन्न वस्तुएं। बी का है पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के स्थान पर, एक वस्तु दूसरे को पूरा कर दे। पूरा करने का मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। कैसे पूरक वस्तुएं? जैसे डबल रोटी का संबंध किससे होता है? डबल रोटी का संबंध होता है मक्खन से। कहा गया है डबल रोटी का मूल्य बढ़ जाए तो मक्खन स्वतः ही कम हो जाएगा, लोग मक्खन कम खाएंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। डीजल पेट्रोल का होता है संबंध इसमें, ठीक है, डीजल पेट्रोल का भी संबंध होता है, इसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। इसको एग्जांपल लिख देते हैं, डबल रोटी का मूल्य बढ़ जाए मक्खन खाने नहीं लगेंगे, मक्खन की भी मांग कम हो जाएगी, मक्खन ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद कहा गया है उपभोक्ता की आय, सी का कहा गया है उपभोक्ता की आय कहा गया है सी में। अब आपको लिखना है सी, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय क्या कहती है? आपको बताए कहेंगे कि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, घट जाएगी तो कम खर्च करेंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे। उपभोक्ता की आय में आपको ध्यान देना है, पहला उपभोक्ता की आय में कहा है अनिवार्य वस्तुएं। क्या कहता है? अनिवार्य वस्तुएं। उपभोक्ता की चाहे आय कम हो चाहे ज़्यादा हो, सबसे पहले वो का खरीदता है, खाने के जुगाड़ करता है, अनिवार्य जो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है।
दूसरा है अनिवार्य वस्तुओं के बाद विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। तीसरा है निकृष्ट वस्तुएं, वस्तुएं। एक है मतलब का हुआ। आप समझ सकते हैं जब उपभोक्ता की आय जो होगी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उपभोक्ता क्या करता है, आय बढ़ने से अनिवार्य वस्तुओं की मांग एक सीमा तक ही बढ़ती है। थोड़ी देर के लिए मानिए, आय बढ़ जाएगी तो हम 2 क्विंटल गेहूँ यूज कर रहे हैं तो क्या 5 क्विंटल खाने लगेंगे? नहीं खाएंगे ना, 2 क्विंटल खरीदेंगे। चलो ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आय बढ़ गई, आय कम होती है तो मोटा चावल खाते हैं। देखो उल्टा होता है, मोटा चावल खाते हैं ना। और आय हमारी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, पतला चावल खाते हैं ना, पतला खाते हैं नहीं। ठीक है, तो बात नहीं आए। विलासिता की वस्तुएं, विलासिता का मतलब होता है जो लोग जिनकी आय बढ़ती है, विलासिता में आता है फ्रिज, कूलर, एसी, गाड़ी जो आती है जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, वो सब क्या है, विलासिता, आरामदायक की वस्तुएं। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ती है। निकृष्ट वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं में कहा गया है आय बढ़ने के साथ साथ जैसे मोटा अनाज, मक्का आदि की मांग कम हो जाती है। आय बढ़ेगी तब भी क्या हो जाएगी, इसकी काम मांग कम हो जाएगी, चाहे इतनी आय बढ़ जाए। अगला है मांग को प्रभावित करने वाले में डी, उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करती है मांग। अरे भैया उपभोक्ता वाले ज़्यादा पसंद करते हैं मोबाइल तो मोबाइल की मांग वही है, लैपटॉप ज़्यादा पसंद करेंगे तो लैपटॉप की मांग बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर होता है ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है जिन वस्तुओं को लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं उसे उपभोक्ता की रुचि कहा जाता है। ये चीज़ें होती हैं, फैशन में आ जाती हैं, जैसे आजकल फटा वाला जींस आ गया है फैशन में ना, फटा मतलब डैमेज का बोलते हैं। तो ये सब क्या है, उपभोक्ता की रुचि है, उपभोक्ता की रुचि है उसमें लोग खरीद रहे हैं ना, तो रुचि से ही मांग बढ़ती है। ई, मौसम, ठंडी में क्या क्या मांग बढ़ेगी, स्वेटर की मांग बढ़ेगी, जूतक मांग बढ़ेगी, मोजक मांग बढ़ेगी, टॉपिक मांग बढ़ेगी, मौसम से भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। ऋतु में परिवर्तन, गर्मी में गर्मी वाला वस्तु। जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन का मतलब जहां की जनसंख्या ज्यादा है वहां परिवर्तन बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाता है, जहां संख्या कम है वहाँ परिवर्तन नहीं हो जाता है। संरचना में, जनसंख्या संरचना भी कहते हैं। संरचना का मतलब क्या होता है, कहा गया है जैसे यदि किसी क्षेत्र में सभी युवक सेना भर्ती में हो जाए तो उन वस्तुओं की मांग हम कम हो जाएगी जिन्हें युवक सेना में भर्ती होने से पहले खरीदते हैं। बहुत लोग दौड़ते रहते हैं, देखो जिनके अंदर जुनून है सेना में जाने का, सेना से संबंधित टी शर्ट टू शर्ट पहले खरीद लेते हैं, बहुत लोग हैं शौकीन हैं भाई। तो अगर सब सेना में भर्ती हो जाएंगे तो टी शर्ट कौन खरीदेगा, सेना से पहले वाला ना। अगला है 7वां नंबर, 7वां नंबर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मात्रा में परिवर्तन,
कहा गया है जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो मूल्य स्तर ऊंचा हो जाता है। मुद्रा देखे महंगाई कैसे आती है, जब सरकार ज़्यादा पैसा छाप देती है, ज़्यादा निकाल देती है, ले जाओ तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, कम कर देती है तो कम हो जाता है मांग। तो आप इसमें समझिए, मुद्रा को स्थिर रखने के लिए, मुद्रा को एक सही समय पर रखने के लिए, एक संतुलन में रखने के लिए मौद्रिक नीति आती है। राष्ट्रीय धन का वितरण, राष्ट्रीय धन का वितरण क्या होता है, धन का वितरण, वितरण का मतलब होता है कि देखो करारोपण द्वारा जो बड़े लोग होते हैं उनके पैसा छीन करके किसको दिया जाता है, गरीबों पर खर्च किया जाता है। बहुत बड़े लोग इसका विरोध भी करते हैं, आप समझिए कहे लिए कह रहे हैं, यदि करारोपण द्वारा साधनों धनों का अमीरों से गरीबी की ओर हस्तांतरण होता है तब विलासिता की वस्तु की मांग में कमी आती है, जीवन उपयोगी वस्तु में वृद्धि होती है। अगर बड़े लोगों पर टैक्स ना लगे तो बड़े लोग हवाई जहाज़ से चलें, सब हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर खरीद लें, लेकिन जब क्या हो जाता है उनका पैसा क्या किया जाता है, उनसे टैक्स के रूप में वसूला जाता है, कानून द्वारा टैक्स के रूप में वसूला जाता है, तो उससे क्या होता है, वो पैसा टैक्स के रूप में जब उनसे ले लिया जाता है, चाहे ज़बरदस्ती कहो चाहे कानून के द्वारा, नियम कानून है, तो विलासिता पर कम खर्चा करेंगे। जैसे हम लोग कमाते हैं, आप लोग कमाते हैं, आप लोग के घर में कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, सब टैक्स देते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लेते हैं। अभी 10,000 का मोबाइल लेने जाइए उसमें 18% टैक्से लगा रहे, 12% टैक्से लगा रहेगा। कंपनियों जो कमाती हैं उनमें 40-40, 50-50% टैक्स लगता है, अगर टैक्स हटा दिया जाए तो सब सामान एकदम आसानी से मिल जाए, एकदम सस्ते में। तो इससे क्या होता है, संतुलन बनाने के लिए मांग कम हो जाती है। अगर विलासिता की वस्तु किसके पास होती है, बड़े लोगों के पास ज़्यादा होती है तो मांग कम हो जाती है इससे। अगला है नौवा, व्यापार चक्र की अवस्था। व्यापार की चक्र की अवस्था का मतलब है इसमें तेजी काल में वस्तुओं के अधिक होने पर मांग बढ़ जाती है क्योंकि लोग मौद्रिक आय बढ़ जाती है जब तेजी होती है। देखो महंगाई जरूरी है लेकिन महंगाई एक लिमिटेड सीमा तक होगी तभी जरूरी है, अनलिमिटेड सीमा हो जाएगी महंगाई तब नहीं होता। तेजी काल में वस्तुओं के पास पैसा, लोगों के पास पैसा आता है, मंदी काल में लोगों के पास पैसा नहीं आता है तो मांग की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगला है बचत करने की प्रवृत्ति। बचत करने की प्रवृत्ति का मतलब बहुत लोग कंजूस होते हैं तो वहां मांग में कमी आ जाती है, मांग में कमी आ जाएगी। ठीक है, कह रहे संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में मूल्य में परिवर्तन। संयुक्त मांग किसे कहते हैं, पेट्रोल और डीजल संयुक्त मांग एक दूसरे के मूल्य को प्रभावित करते हैं, इतना आप लिख लीजिए। अब आगे बहुत सारे हैं मांग के रूप हैं, उनको हम आगे बताने का कार्य जारी रखेंगे।